धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले पुरी के जगन्नाथ मंदिर में देवस्थानम पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस मौके पर पूरे विधि विधान के साथ प्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र को स्नान कराया गया। बिल्कुल, प्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र को स्नान कराने और उनकी विधिवत पूजा अर्चना के बाद प्रभु जगन्नाथ का गजानन वेश कार्यक्रम हुआ, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस मौके पर जगन्नाथ धाम आने से मनुष्य को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। उत्साह और उल्लास से लबरेज ये तस्वीरें पुरी के जगन्नाथ मंदिर की हैं। यहाँ रंग भी है, उमंग भी है और भक्ति का सैलाब भी है। आस्था के इस महापर्व में भक्तों की श्रद्धा हिलोरे मार रही है। धरती का बैकुंठ माने जाने वाले जगन्नाथपुरी की दिव्यता और भव्यता देखते ही बन रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा की एक झलक के लिए देश विदेश से भक्तों का हुजूम पुरी पहुंचा है। जितनी भव्य जगन्नाथ यात्रा होती है, उतनी ही भव्यता इस यात्रा से जुड़ी परंपराओं में होती है। श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान पूर्णिमा का पालन धूमधाम से किया जाता है, इसीलिए जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु का गजानन वेश का दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। वही देव स्नान पूर्णिमा भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु को सहस्र कुंभाभिषेक जल में स्नान करने के जो पवित्र विषय वस्तु है, जो पवित्र दिवस है, वही आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है। भगवान जगन्नाथ स्नान करेंगे, फिर इसके बाद गजानन वेश में भगवान श्रृंगार होंगे, भोजन करेंगे, रात में भगवान को बुखार आ जाएंगे और भगवान निवृत्त कंदर में जाकर पंचदश दिवस व्यापी भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे और भगवान वहां पर उपासित हो। श्री जगन्नाथ मंदिर में देवस्थान पूर्णिमा के पावन अवसर पर विधि विधान के साथ प्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र को स्नान कराया गया, जिसमें रीति रिवाज के अनुसार सारे कार्य संपन्न किए गए। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद प्रभु जगन्नाथ का गजानन वेश कार्यक्रम हुआ, जिसमें भक्तों की भीड़ जुटी। भक्त लोग की आनंद देने के लिए और भक्त भगवान की मिलनात्मक जो पूर्व विचार है, वही स्नान पूर्णिमा है। आज देव स्नान पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा की अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्रीमंदिर की निराद्रि कंदर का त्याग करके श्रीमंदिर के अंदर में ईशान्य कोणा में स्नान मंडप है, इस स्नान मंडप में विराजमान करते हैं और इस स्नान मंडप में भगवान की सहस्र कुंभाभिषेक जल के द्वारा महाप्रभु स्नान करते हैं। इसको स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। भारी संख्या में भक्त इस दिन पुरी में सहाना मेला में सहोदर देवताओं के दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये उन्हें सभी पापों से छुटकारा दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।